नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही फेमस कार पजल को डिस्कस और सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं आज की मजेदार पजल क्या है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि ये कार पजल है, तो आपके पास एक कार है और एक स्टेपनी है। स्टेपनी है स्पेयर टायर, और हर एक टायर 20,000 किलोमीटर तक ही सही सलामत जा सकता है, उसके बाद उसे बदलना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपके पास एक कार है और एक स्टेपनी है, एक्स्ट्रा टायर है, और आपका हर एक टायर 20,000 किलोमीटर तक ही जा सकता है। तो आपको बताना है आपकी कार मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकती है बिना कोई नया टायर परचेस किए हुए, और आप सिर्फ स्टेपनी या स्पेयर टायर को ही शफल करके चेंज कर सकते हैं। सो है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर सॉल्व करके कमेंट्स में लिखें। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक टायर सिर्फ 20,000 किलोमीटर जा सकता है, और हमारे पास एक स्पेयर टायर है, तो हम उस स्पेयर टायर की लाइफ टाइम को, जो कि 20,000 किलोमीटर है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक 5,000 किलोमीटर पर उसे चेंज करते रहेंगे। तो अगर हम टायर्स को ए बी सी डी मान लें और स्पेयर टायर का नाम दे देते हैं एस, तो शुरू के 5,000 किलोमीटर आपको टायर चेंज करने की जरूरत नहीं है, और 5,000 किलोमीटर के बाद आप स्पेयर टायर को एस को ए के साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो आपकी कार में टायर हो जाएंगे एस बी सी और डी। तो 5,000 से 10,000, 5,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक आप एस बी सी डी टायर से जा सकते हैं। 10,000 किलोमीटर के बाद आप ए को अपनी जगह पे लगा दें और बी को रिप्लेस कर दें स्टेपनी टायर एस से, स्पेयर टायर एस से। तो आपकी कार अब ए एस सी और डी पहियों से 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक चली जाएगी। 15,000 किलोमीटर के बाद आप बी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लगा दीजिए और एस को सी टायर से रिप्लेस कर दीजिए। तो अभी आपकी कार में टायर्स हो जाएंगे ए बी एस और डी। इससे आपकी कार 15,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक चली जाएगी। अब 20,000 किलोमीटर के बाद आप सी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लगा दीजिए और डी को एस से रिप्लेस कर देंगे हम। तो अभी हमारी कार में कौन से पहिए हो जाएंगे, ए बी सी और एस। अब 20 से 25,000 किलोमीटर तक ये आपकी कार चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे, आपका हर एक टायर 20,000 किलोमीटर तक चल चुका है। सबसे पहले ए बी सी डी, टायर ए, टायर बी, टायर सी, टायर डी से हम 0 से 5,000 किलोमीटर तक गए, फिर टायर बी, टायर सी, टायर डी और टायर एस से हम 5,000 से 10,000 किलोमीटर तक गए, फिर टायर ए, टायर सी, टायर डी और टायर एस से हम 10 से 15,000 किलोमीटर तक गए, 15,000 से 20,000 किलोमीटर हम टायर ए, टायर बी, टायर डी और टायर एस से गए, 20 से 25,000 किलोमीटर हम टायर ए, टायर बी, टायर सी और टायर एस से गए। दोस्तों, अगर आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपका हर एक टायर 4 बार यूज हुआ है, और 5,000 किलोमीटर की जर्नी में अगर आप इनको देखेंगे तो हर एक टायर 20,000 किलोमीटर तक चलाया जा चुका है। तो अब आपके हर एक टायर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव हो गई है, तो इसके आगे आपकी कार नहीं जा सकती है। और आपने कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया, 25,000 किलोमीटर। तो हमारी पजल का आंसर क्या हो गया, 25,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत से इंटरव्यूज में, बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, तो आप अच्छे से इसे समझ लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।